अगर आपके सामने किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगे और आप उसे बचाने के लिए आगे बढ़े, उससे पहले ये चेक कर लें कि आपके आसपास पानी और लोहे की कोई चीज तो नहीं रखी है, क्योंकि इन दोनों में से करंट बहुत जल्दी पास होता है। इसके बाद आप तुरंत सूखी चप्पल पहने और प्लास्टिक या सूखी लकड़ी की मदद से बिजली के उस स्विच को बंद कर दें जिससे आपके साथी को झटका लग रहा हो। अपने साथी को बचाने के लिए उसे छुए नहीं, वरना आप भी करंट की चपेट में आ जाएंगे। इसलिए लकड़ी की मदद से उसे बिजली के संपर्क से अलग करें। अपने साथी को बिजली के संपर्क से अलग करने के बाद उसे रिकवरी पोजीशन में लिटा दीजिए। इस पोजीशन में व्यक्ति को करवट दिलाकर इस तरह लिटाएं कि उसका एक हाथ सिर के नीचे हो और दूसरा हाथ आगे की ओर सीधा हो। इसी तरह एक पैर सीधा हो और एक मुड़ा हुआ रहे। इस पोजीशन में रखने पर व्यक्ति को जल्दी होश आने लगेगा। व्यक्ति को कंबल या तौलिए से ना ढकें। अब ये जांचें कि व्यक्ति की सांसें कैसी चल रही हैं। अगर व्यक्ति धीमी सांसें ले रहा है और वो थोड़ा जल गया है तो उस हिस्से को पानी से साफ कर दें। अगर खून बह रहा हो तो तुरंत उस स्थान को साफ कपड़े से बांध दें। अगर व्यक्ति बेहोश हो गया हो या फिर सांस लेने जैसी कोई गतिविधि ना कर रहा हो तो तुरंत उसे CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेंशन दे। जितना जल्दी हो सके उस व्यक्ति को मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाएं। दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन अगर हमें उस दुर्घटना से सुरक्षित निकलने का रास्ता पता हो तो जान बचाना आसान हो जाता है। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखें और CPR देने का सही तरीका भी जरूर सीखें ताकि किसी जरूरतमंद की मदद की जा सके। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।